2008 में मेवात के गांव में हम लोगों ने पहचान का सफर शुरू किया था। ईश्वर अल्लाह तेरे जहां में नफरत क्यों है, जंग है क्यों, तेरा दिल तो इतना बड़ा है, इंसान का दिल तंग है क्यों। कहते हैं हालांकि इल्म की इम्पोर्टेंस सबके लिए एक जैसी है, लेकिन कहते हैं कि अगर आप एक लड़की को एजुकेट करते हैं तो पूरा ख़ानदान एजुकेट होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहचान की कुछ बच्चियां हैं जो पहचान के बारे में दो लफ्ज़ बोलना चाहती हैं। मेरा नाम इस्मा खातून है और मैंने एग्ज़ाम पहचान स्टडी सेंटर के ज़रिए इस साल 10th क्लास किया है और मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई हूँ। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन एंड गुड इवनिंग, माय नेम इज़ रुबीना खातून एंड आई एम, मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और मैं अभी कहाँ पर हूँ, बहुत सारा सब कुछ मैंने देखा है और उन सब के हौसले मुझे पहचान से मिले हैं। पहचान स्टडी सेंटर मेरे अपने घर में चलता है जो जैतपुर में है, वहाँ मैं रहती हूँ और ये मेरी ज़िंदगी का बहुत ही बड़ा मकसद है, और क्योंकि मैंने उस ज़िंदगी को जिया है कि छोटी उम्र में शादी, फिर छोटी उम्र में दो बच्चे और घर बिगड़ जाना, और जो 8 महीने एक घर में और एक फादर कैसे घर चलाते हैं, वो मैंने सब उस ज़िंदगी को मैंने जिया है। तो इसलिए मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि एक लड़की को पढ़ा लिखा होना कितना ज़रूरी होता है, और शादी से पहले वो इतनी एजुकेटेड होनी चाहिए कि वो अपने अच्छे बुरा जो उसकी ज़िंदगी में जो टाइम आता है वो अपने आप मुकाबला कर सके और वो अपने आप अपनी ज़िंदगी के सारे फैसले खुद कर सके। तो मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि मैं पहचान की बच्चियों को वो चीज़ें, मैं ऐसा नहीं कि मैं उन्हें सिर्फ, मेरा मकसद 10th क्लास या 12th क्लास या ग्रेजुएशन कराना है, मेरा मकसद ये है कि वो ज़िंदगी के हर फील्ड में जाएँ, वो इतनी काबिल बन जाएँ कि वो पीछे पलट के नजर सके। और मैंने हमेशा उनको ये बोला कि मैं, मेरी ज़िंदगी की शुरुआत अलग तरह से हुई थी और इनकी ज़िंदगी की शुरुआत अलग तरीके से होती है, लेकिन कहीं ना कहीं माहौल वही 30 साल 35 साल पुराना है कि बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स को समझाना पड़ता है और उसको उनको पहचान स्टडी सेंटर तक लेके आना होता है। आज भी मैं आधा घंटा लेट हुई हूँ उधर आने में ले कर, बहुत सारे पेरेंट्स को बताया कि इफ्तार पार्टी है, मनीष जी वहाँ पर आ रहे हैं और उनके हाथों उन्हें मार्कशीट दिलवाएंगे, तो लोगों को वहाँ पे लगा कि ठीक है अच्छा मनीष जी वहाँ पर आएंगे, तो ऐसे बहुत सारे लोगों को लगा हमारी बेटियाँ क्या इतनी काबिल हैं कि मनीष जी आके उन्हें वो मार्कशीट देंगे। 2016 में मेरी शादी हो गई थी और वो डिवोर्स भी हो गया और अब हम अलग हैं, तो वो जो डिवोर्स हुआ वो पापा की मर्जी से हुआ, और मतलब पापा ने मुझे फुल सपोर्ट किया कि तुझ क्या करना है क्या नहीं करना है, और अब इस ईयर ही पापा की डेथ भी हो गई है, पापा नहीं है। लेकिन जब मैं वहाँ से डिवोर्स हुई उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान पर लड़की की ज़िंदगी उससे शादी से शुरू होती है, शादी पर ख़त्म हो जाती है, तो शायद मेरे साथ भी वही सीन हो रहा था और बहुत नर्वस हो गई थी और बिल्कुल सैड रहने लगी थी, मुझे ज़िंदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मैं यही कि बस अब मरी जब मरी। पापा ने बोला कि बेटा आगे बढ़ और देख तू दुनिया में क्या हो रहा है, देखेगी नहीं तो तुझे नहीं यही ऐसी कैसी रह जाएगी। हमारे बीच रेनी सिंह है, रेनी की आवाज़ हमने, खूबसूरत आवाज़ हमेशा सुनी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आए। रेनी कश्मीर की राहत घर में यतीम बच्चियों को गाना सिखा चुकी हैं, और प्लीज़ रेनी, प्लीज़ कम। शुक्रिया, मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी बिफोर आई सिंग अ फ्यू लाइन्स कि आप सबकी इतनी खूबसूरत आवाज़ें सुनकर और इतनी दिल से बातें सुनकर कि इतनी हिम्मत आ रही है कि ये आपकी सारी बातें मैं कश्मीर तक लेके जाऊँगी जहाँ पर आप जैसी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, और
इसी हिम्मत की उनको भी ज़रूरत है। तो जैसे कहते हैं, मंजिल के लिए दो गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए, ये आपके लिए है कि आपके आपने एक शुरुआत की और देखिए सामने से आपको हर तरह की एक सपोर्ट भी मिल रही है, बच्चों के थ्रू और सबके थ्रू। तो आइए हम सब मिलकर इस ऑन अ वेरी स्पेशल ओकेजन लाइक टुडे, मैं सोच तो रही थी कि मैं कुछ विल डू अ प्रेयर, बट इनकी सब बातें सुनकर मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम होंगे कामयाब करें, क्योंकि उसमें एक अलग से ताकत है। ठीक है, तो आइए हम सब जुड़ेंगे इसके साथ पूरे जोश के साथ। हम होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। उनकी हौसला अफजाई के लिए मैं सईदा आपा और मनीष से रिक्वेस्ट करूंगी कि उन्हें सर्टिफिकेट देना है। मैं 2018 की 10th और 12th की बच्चियों को एक साथ यहां बुलाना चाहूंगी। राबिया, जेबा, जेबा सलमान, रोशनी, अफसाना खातून, मुस्कान, जो बच्चियां मौजूद हैं वो प्लीज़ आगे आ जाएं। ये 2018 टेंथ की बच्चियां हैं। 2018 में जिन्होंने 12th किया, शाइस्ता, सबा, सादिया, रुकैया, अमरीन, आलिया, शगुफ्ता, गुलशन खातून। सादिया, जेबा अली, अमरीन, जिन्होंने 10th किया वो देखिए प्लीज यहाँ आ जाए, और 2019 में 12th किया वो भी। सानिया, नम्रा, शबनम, इतरा और हिना है यहाँ पे, इनकी मार्कशीट अभी नहीं आई है। मैं चाहूंगी कि आप मनी की उन्हें गिफ्ट बैग उन्नीस में ट्वेल्थ किया है इन बच्चियों ने। अकरबी, शबिनूर, आरा, निशा परवीन, अदीबा खातून,
थैंक यू सो मच. कुछ ऐसे मेहमान भी मौजूद हैं जिनका मैं आप वेलकम करना चाहूँगी. आई एम सो सॉरी, मैं शुरुआत में माइक में प्रॉब्लम हो गई, बहुत सारी चीज़ें थी जो मिस हो गई. मैं ज़फ़र महमूद साहब, ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आएँ और बच्चियों के लिए कुछ कहें. ज़फ़र महमूद साहब. मैं शुरू करता हूँ परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है. सारी तारीफें उसी के लिए और हम सबको उसी की तरफ लौट के जाना है. हम सब यहाँ सुनने के लिए तो सईद आपा को और मनीष साहब को आए हैं, इस वजह से मैं आपका वक्त बिल्कुल नहीं लूँगा. और आई एम कम्प्लीटली ओवरवेल्म्ड बाय द वर्क दैट इज बीइंग डन हियर एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू जॉइन मी फॉर अ स्पेशल क्लैप फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजर्स फॉर दिस प्रोग्राम एंड फॉर दिस ऑनगोइंग प्रोग्राम. एग्जामिनेशन कंट्रोलर फैजी साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वो यहाँ आएँ और बच्चियों से और हमारे जो भी गेस्ट हैं उनसे कुछ के प्राइवेट्स के ज़रिए से वो 10th, 12th, इवन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम कराती है और ये बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर होता है, बहुत ही नॉमिनल चार्ज होता है. लेकिन इसमें एक दिक्कत थी शुरुआत में कि हमारे सिलेबस और ब्लू प्रिंट और मॉडल क्वेश्चन पेपर वगैरह अवेलेबल नहीं थे और लड़कियाँ बहुत ही स्ट्रगल करती थी इस बात को लेकर के. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 10th और 12th के लिए हम लोगों ने वो भी डेवलप कर दिया है और वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है. स्थितियाँ ऐसी हो जा रही हैं ड्रॉप आउट्स में से कि हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि परिवारों में घुसना और एक ही परिवार पे काम करना एक ये तरीका है जिसके उसे कर सकते हैं. पर समस्या ये है कि जब आप इसी काम को बहुत स्केल पर करने लगते हैं और बहुत गवर्नमेंट स्केल पर करने लगते हैं तो वहाँ तनख्वाहें होंगी 80,000 रुपये, 1,00,000 रुपये और काम होगा 5,000 रुपये वाले में, क्योंकि इंस्पायरिंग नहीं है. फिर वहाँ उनके फिर नौकरी है, नौकरी बजाने की खातिर मुझे लगता है घर से बच्चों को कन्विंस करना, फादर पेरेंट्स को कन्विंस करना, उस सोशल स्टिग्मा से बाहर निकालना बच्चों को, फिर बच्चों को पढ़ा देना और पढ़ा के वो कॉन्फिडेंस लेवल तक ला देना जिसके साथ अभी हमारी एक बच्ची क्या मुबीना उसका शायद नाम था वो बोल के गई, उतने कॉन्फिडेंस तक ला देना. ये काम खांटी सरकारी स्टाइल में तो नहीं हो पाएगा. मैं 4.5 साल सरकार चलाने के बाद ये कहना चाहता हूँ, जिस दिन हम ये सोचेंगे कि ये सरकार ये कर ले उस दिन हम इस पूरे प्रोग्राम का बड्डाधार कर देंगे. तो क्या उसका मॉडल हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे वो इंस्पायरिंग पर्सनल टच वाले टीचर्स इस काम में आए, इसका मॉडल सिर्फ तनख्वाह लेना ना हो, इसका मॉडल कैसे ये हो कि जिस जो जो वातावरण यहाँ है स्केल अप करने में हमेशा चुनौती होती है. स्केल अप कैसे किया जाए इसको, उसको मैं भी समझना चाहूँगा और किसी समय जब भी ये थोड़ा से समय के बाद ईद वगैरह के बाद में तभी भी मैं आके सेंटर पे आप सब लोगों के साथ चर्चा करना चाहूँगा, इन बच्चों से भी और समझना चाहूँगा. क्योंकि मैं अपनी जिद में कुछ स्लम्स में गया, वहाँ ढूंढे मैंने वो परिवार वो बच्चे जहाँ ड्रॉप आउट हैं और मैं खुद समझना चाहता था, पर यहाँ तो आप मुझे पूरा समझ बनाने में मदद कर सकते हैं इसकी. तो करते हैं बात करते हैं इस पर, बट वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग सच ए वंडरफुल प्रोग्राम एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी. थैंक यू. थैंक यू मनीष. मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ और वो ये कि हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम वेमेन फोरम जो इसी घर से हम चलाते हैं. 2000 में इसकी बुनियाद पड़ी, इसकी फाउंडर प्रेसिडेंट थी रेहाना मिश्रा जी की वालदा बेगम सईदा खुर्शीद और मेरी अपनी बहन डॉक्टर सुग्रा मेहंदी, उन्होंने इसकी बुनियाद डाली और उसके साथ हमने इनके साथ मिलके और पहचान की लड़कियों को 2 महीने की ट्रेनिंग के लिए हमने उनको मनीष गुजरात भेजा. अहमदाबाद से 50 किलोमीटर दूर उन्होंने एक दलित शक्ति केंद्र में उन्होंने 2 महीने रह के और ट्रेनिंग ली, काहे कि ह्यूमन राइट्स की, सेल्फ अवेयरनेस की, मुल्क में जो मसाइल हैं उनकी स्किल ट्रेनिंग की. और मैं उन दोनों बच्चियों को, जहाँ 2 बच्चियाँ खड़ी हो जाएं, उनको मैं इस आइडेंटिफाई करना चाहती हूँ और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये 2 बच्चियाँ पहचान की 72-74 बच्चियाँ थीं पूरे देश की, उसमें से ये दोनों आउटस्टैंडिंग निकली. मैं इनके ग्रेजुएशन में गई थी. एक अफसाना है फरीद,
फरीन तुम्हारे हम नाम है? अरे तीन है, सॉरी, ये हाँ ये तुम पहली बैच की थी। ये आ जाओ तीनों आ जाओ। इन बच्चियों ने वहाँ जाके ट्रेनिंग ली, 2 महीने कैसे रही ये इनका दिल जानता है, और निकली तो रोती हुई निकली, यानी सब इतनी आपस में घुल मिल गई थी, दलित बच्चियाँ, हिंदू बच्चियाँ, क्रिश्चियन बच्चियाँ, सब आपस में एक ऐसा बहनापा और दोस्ती हो गई थी कि जब मैं इनके ग्रेजुएशन में गई तो आँखों में आंसू थे और बहुत खुश थी वहाँ। लेकिन आप यकीन जानिए कि मैं खुद एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, दाल रोटी चलाने में सैलरी भी मिल जाती है माशाल्लाह, रईसों को और एलीट्स ऑफ द सोसाइटी को जानता हूँ, सलाम दुआ है उनसे। लेकिन बावजूद एक छोटे से इदारे को चलाने के लिए जिसका माहाना खर्च तकरीबन 40-45 हज़ार रुपया और साल के 5 से 6 लाख रुपए होते हैं, इस रकम को इंतज़ाम करने में मैंने अपने तमाम रिश्तेदारों का और दोस्तों की तनाक में दम कर रखा है। मतलब तो व्हाट्सएप का दौर हो गया, मैं इतने बार व्हाट्सएप करता हूँ कि लोग कहते हैं भाई दे देंगे, प्लीज़ मत अगली बार व्हाट्सएप करना। तो ये आलम है, लेकिन ये अलमिया भी है इस फॉर्म का भी और समाज का भी, कि अगर आप एक बहुत छोटा सा काम जिसमें सिर्फ आप 30 बच्चियों को साल में पढ़ाने की कोशिश करते हैं, और वो भी बहुत बुरे हालात में जो बच्चियाँ जिनके वालदैन रहते हैं, उसको एक छोटा सा सेंटर जो सिर्फ एक कमरे के किराए में चलता है उसको भी तय कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसका पॉजिटिव पहलू भी है कि 2011 से हम लोग लगातार चला रहे हैं, तो वो भी आप जैसे मोहसिनों और मुखलिस लोगों की मदद से ही चल रहा है।